अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज सरस और क्राफ्ट मेले से इसकी शुरुआत होगी। महोत्सव के मुख्य आयोजन 9 से 14 दिसंबर तक होंगे और इस बार महोत्सव की थीम आजादी का अमृत महोत्सव है और महोत्सव के अंतर्गत 14 दिसंबर को होने वाले दीपोत्सव को यादगार क्षण माना जा रहा है। इसके प्रति आकर्षक तैयारियां चल रही हैं और इस दिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर संस्थाओं के सहयोग से ब्रह्म सरोवर, सन्निहित सरोवर और ज्योतिसर तीर्थ पर 5 लाख दिए जलाए जाएंगे। 9 से 14 दिसंबर तक गीता पुस्तक मेला, रंगोली, हरियाणा पवेलियन, आरती स्थल पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा और 9 दिसंबर को मुख्य कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर गीता यज्ञ व गीता पूजन किया जाएगा। आपको बता दें कि गीता महोत्सव को लेकर जो तैयारियां की गई हैं, जिसमें 2 दिसंबर को शिल्प और सरस मेला यानी आज इसकी शुरुआत है, इस बार कोरोना को देखते हुए 350 स्टॉल्स लगाए जाएंगे। पहले इनकी संख्या 700-800 तक हुआ करती थी। शिल्प और सरस मेला 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें देश के करीब 15 प्रदेशों के अलावा कई दूसरे देशों के शिल्पकार जुड़ेंगे। आज से इसकी शुरुआत हो रही है। हमारे सहयोगी दर्शन कैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दर्शन, क्या हैं ताजा तस्वीरें, किस तरह की हलचल दिखाई दे रही है, कितना उत्साह है लोगों में आज के इस मेले की शुरुआत को लेकर, गीता महोत्सव कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि आज 2 तारीख है, आज यहाँ पर गीता जयंती का जो है उद्घाटन हो गया है और शाम को शिल्प मेले का भी उद्घाटन होना है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर जो पंजाब से आया है बैंड, यहाँ पर ये आप यहाँ पर पूरा सजा दिया गया है, जो कलाकार है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ से पंजाब तो बैंड को आया है। आप देख सकते हैं तस्वीर पर किस तरह से उत्साह है, यहाँ पर पर्यटन है वो यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कलाकार यहाँ पर, हम बात करें कलाकारों की, हरियाणवी की बात करें यहाँ पर, जो प्रोग्रोवर है वो विनोद की तरह यहाँ पर जा दिया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो यहाँ पर जो कलाकार है वो अपनी कला को दिखा रहे हैं और यहाँ इतना ही नहीं, यहाँ पर पंजाब का जो बैंड है वो भी यहाँ पर पहुंचा है और आप देख सकते हैं तस्वीर में हम जो पंजाब में एक बैंड बड़ा बुजुर्ग है वो यहाँ पर और यहाँ पर जो कलाकार है वो अपनी यहाँ पर प्रदर्शन लगा रहे हैं, कला दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल दर्शन, चूंकि ये जो आकर्षण का केंद्र तो रहते ही, उत्साह लोगों में रहता है, स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेश से और देश के अन्य प्रदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं। कोविड की वजह से कुछ पाबंदियां हैं, किस तरह की पाबंदियां हैं और किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना है यहाँ आने वालों को? हाँ जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जिस तरह से आप देख सकते हैं कोरोना अभी चला हुआ है, कोरोना को लेकर यहाँ पर जो प्रशासन है वो सतर्क है, पूरा यहाँ पर जो कोरोना के जो टेस्ट है वो यहाँ पर किए जाएंगे और यहाँ पर जो कोरोना की वैक्सीन है उसको कहीं ना कहीं जो उसके सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर चेक किए जाएंगे और पूरा इंतजाम किया गया है, कोरोना की गाइडलाइन का पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। यहाँ पर बार बार यहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है कि कोरोना भी खत्म हो रहा है, कोरोना का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाए। बिल्कुल दर्शन, आप नजर बनाए रखें और लेटेस्ट तस्वीरों के लिए हम फिर संपर्क करेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका। और कुछ अन्य तस्वीरें हम साथ ही साथ अपने दर्शकों को दिखाते चलें। इस बार जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहने वाली हैं आने वाले कुछ और दिनों में, क्योंकि शिल्प और सरस मेले में हरियाणा की संस्कृति और देश के अन्य प्रदेशों से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का तो केंद्र रहेगी। कुछ आकर्षक तस्वीरों के साथ आगे बढ़ेंगे।